एक में करेंगे, दो का ट्राई मार लिया है हम लोगों ने यहाँ पर। और एक पपीता ले लीजिए, वीडियो आ रहा है तो सासू माँ बहुत खुश है कि एक और दे देंगे। अच्छा ये भी है। हाँ ये फिश है, लोको फिश काड़ी। मौसी पूरी जाने के लिए तुम कैसे एक्साइटेड हो? आपको खुशी है? सासू माँ है। हाय दोस्तों, मधु दिल्ली फूड एंड लाइफ में कोलकाता से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग कोलकाता में हैं और पूरी के लिए पूरा तैयारी कर चुके हैं। और साइड में देख रहे हैं ना, दिलीप को दिखाती हूँ, वो एक्सरसाइज कर रहा है। दिलीप आपका एक्साइटमेंट क्या है आज? नमस्कार, पूरी के लिए पूरी तरीके से है तैयार, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रात भर सोया नहीं हूँ ढंग से। क्यों? इतनी गर्मी, स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही, कोलकाता में क्या हालत ख़राब है। एसी में भी? हाँ एसी में भी हो रही है। तू एसी में नहीं हो रही है वैसी, लेकिन एसी में ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि प्रॉब्लम। नहीं आप एसी बंद कर चुके थे, उसके बाद फ़ैन नहीं चलाए, उसकी वजह, उसके बाद मैंने उठ के फ़ैन चलाया। मैंने भी सोचा कि क्यों इतना स्वेटी हो रहा है, फ़ैन नहीं चल रहा था। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार है और ये देखते हैं कि सारे लोग कैसे एक्साइटेड है। सुष्मिता इधर पैकिंग में लगी हुई है। सुष्मिता कैसा एक्साइटमेंट है? सुपर से भी ऊपर। सुपर से ऊपर? अच्छा तो दोस्तों सुष्मिता सुपर से भी ऊपर एक्साइट है। देखते माँ और मौसी का क्या हालत है। तो अभी आ गए किचन में, माँ आज के दोपहर का खाना ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है। माँ पूरी जाने के लिए कैसे एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड। माँ भी बहुत एक्साइटेड। मौसी, मौसी इधर है इस साइड में। मौसी बोलो पूरी जाने का कैसा एक्साइटमेंट है? मौसी पूरी जाने के लिए तुम कैसे एक्साइटेड हो? खूब खुशी है। खूब खुशी? मासी बोल रही, मासी बहुत खुश है। तो आज सुबह का दोस्तों ये नाश्ता है, एक क्विक नाश्ता है, इसके बाद तैयारी करनी है। तो बहुत सारे काम है, मुझे हेयर कट के लिए भी जाना है, कुछ वीडियोस भी थंबनेल और उसके कीवर्ड्स करेक्ट करने हैं, तो ढेर सारा काम है। फटाफट क्विकली लेता हूँ और उसके बाद काम पे चलता हूँ। तो दोस्तों मधुमिता और मैं आज हम लोग को पूरी निकलना है और हम लोग को क्या करना है, दो इम्पॉर्टेंट टास्क है, उसके लिए हम लोग बाहर निकल रहे हैं, मिशन है इसको कहा जाए। तो मधुमिता जाएगी साउथ और मैं जाऊंगा नॉर्थ। तो मधुमिता जाइए आप और हम लोग जाते हैं और इसी जगह मिशन कम्प्लीट करके हम लोग मिलते हैं, राइट? एकदम बिल्कुल इस मिशनरीज क्या बोलते हैं एम्बिशन के साथ काम कर रहे हैं हम लोग ना आज का, क्योंकि हम लोग का अभी मतलब बोली जितना जल्दी पैक का करने के बाद जाना है और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो बस दोस्तों मैं कोलकाता के ग्रीन प्लाजा में आया हूँ और आपका शुभ नाम क्या हुआ? मोहम्मद शाहिद। ये मेरे बाल को ट्रिम कर देंगे, अभी जीरो में नहीं एक में करेंगे, दो का ट्राई मार लिया है हम लोगों ने यहाँ पर, अभी पूरा इसको ट्रिम करेंगे एक में, मार डालेंगे। दोस्तों मैं अपना मिशन पूरा करके मधुमिता को हेल्प करने आ गया हूँ। मेडिसिन शॉपिंग मेरा मिशन तो पूरा हो चुका, लेकिन मधुमिता का मिशन ही पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मेडिसिन खरीदने में टाइम लगता है? हाँ इतना टाइम लगता है, माथा घूमने की मेडिसिन, पेट खराब की मेडिसिन, पेट पेन की मेडिसिन, हर तरह की मेडिसिन। कितना स्वेटिंग है इधर देखिए, बहुत ज़्यादा मतलब स्वेटिंग है इधर। तो बस लौट आ रहे हैं हम लोग, हमारा मधुमिता मिशन को पूरा करके घर के अंदर जाते हैं और हम लोग एक दूसरे को देखते हैं कि हम लोग का मिशन कहाँ तक कंप्लीट हुआ। हम लोग घर लौट आए, बाहर इतना धूप है इसलिए हालत ऐसा है। दिलीप को पूछते हैं कि दिलीप आपका मिशन क्या आ रहा, दिखाएं मुझे आप कौन सा मिशन। मेरा मिशन देखना है तो दिखाता हूँ मैं ये। अच्छा गर्मी के लिए एकदम बाल को हटा के आ गए, पूरा कंप्लीट हो चुका है, अच्छा लग रहा है, टकलू बन के आ गया, टकलू अच्छा लग रहा है। गूगल अभी भी तुमको पहचान नहीं पाएगा, पहचान लेगा आराम से पहचान, अच्छा है ये। तो दोस्तों काम करते करते लंच का टाइम हो गया है और ये जो लंच है ये कोलकाता में बंगाली फैमिली मेरे सासुरी बाड़ी में ये लंच है। और लंच में क्या है, सादा कैसा है उसको मैं दिखाता हूँ। एक बार और आइए मधुमिता, राइस है, ये क्या है? कुमड़ो शेदो मतलब कुमड़ा का बॉयल किया हुआ है। ये गाजर है, गाजर शेदो ग्रेटेड गाजर, मतलब कि ये गाजर किया हुआ है। और ये खीरा है, ये पपीता बॉयल किया हुआ है और ये परवल फ्राई किया हुआ है। अभी जो सरप्राइज़ है जो हमेशा, और एक परवल ले लीजिए और एक पपीता ले लीजिए, वीडियो आ रहा है तो सासू माँ बहुत खुश हैं कि एक और दे देंगे, ले लीजिए आप
और खाइए आप। इसके अलावा एक और चीज़ है जो फिश है, अभी थोड़ी देर में आएगा वो फिश खिलाएंगे, लेकिन ये बड़ा ये बॉयल्ड है सारा चीज़, केवल ये सिर्फ ये फ्राई है। इसके बाद हम लोग ये प्रिपरेशन है जो अभी आगे जाके जो इतना खाओगे ना उसके लिए बेट को प्रिपरेशन, इतना गर्मी हो रखा है इसलिए। हाँ, और अभी आगे जाके इतना गर्मी हो रखा है इसलिए लाइट खाना। अच्छा ये भी है। हाँ, ये फिश है, रोहू फिश करी। रोहू फिश करी, रोहू फिश करी। मतलब कितनी भी गर्मी हो जाए सादा खा लो, फाइनली फिश आ ही जाएगा एक जगह, कहीं नहीं कहीं फिश घूम कर आ जाएगा। तो ये फिश मुझे मिल गया यहाँ पर खाने के लिए। बस अब शुरू करते हैं, अभी तो पूरे कितने दिन भी रहेंगे पूरी में, देखते हैं क्या क्या खान पान होता है, और हम चाहते हैं कि आपको पूरी बिल्कुल घुमाएँ अच्छे तरीके से हम लोग अपने साथ में। अभी शुरू करते हैं। अभी हम तीनों सुपर एक्साइटेड है कि कुछ हुआ है। अच्छा देखिए एक चीज़, हम चारों का टिकट एसी 3 टायर में था, एसी 2 टायर में था, और दिलीप का 3 टायर में आरएसी में था। अभी अभी मैसेज आया है दिलीप का अपग्रेड होके 2 टायर हो गए, वो भी हमारे साथ साथ हुआ, इन्हीं लोगों के साथ। ये कैसा हो सकता है ऐसा, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मिनिस्ट्री को धन्यवाद कर दो, रेलवे को धन्यवाद, रेलवे को बहुत बहुत थैंक्स। हाँ दोस्तों, हम सारे लोग रेडी है जाने के लिए, निकालने के लिए। अब मैं ओला बुक करूंगी और निकलूंगी। देखिए घर का सिनेरियो सब पैक्ड हो गया। माँ सोच रही है कि माँ अपने साथ एक स्टिक लेके जाएगी या नहीं, उसके बारे में कंट्रोवर्सी हो रहा है, और मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है। मैं बाद में बताऊंगी उसका कारण क्या है। हाँ। कुछ कपड़े लेके कुछ इशू हुआ है, वो बाद में मैं डिस्कस करूंगी। और अभी हम लोग सारे लोग ठीक है, बोलो। हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, तो सभी लोग प्रेम से बोलेंगे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। माँ टाटा। ओला की टैक्सी, और हमारे जो ड्राइवर हैं वो है शुभो। शुभो वेलकम इन आवर ब्लॉग, इन आवर जर्नी। हम लोग जा रहे हैं सियालदह स्टेशन, पीछे मौसी है और इधर सासू माँ है। हाय दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं और दिलीप माँ और मौसी एक कार में, सुष्मिता और मैं दूसरा कार में, और साथ में मेशो भी है, हमें छोड़ने जा रहे हैं। तो हम लोग अभी इस तरह से अलग अलग मीट करेंगे उधर जाके सियालदह स्टेशन में। अभी देखते हैं कि हम लोग पहले पहुंचते हैं कि वो लोग पहले पहुंचते हैं। ये जो अपना सुबह है, बार बार मैप देखते हैं नीचे, तो मेरी माँ सासू माँ पूछे कि वो नीचे क्यों दिख रहा है, सामने देख के चलाता क्यों नहीं है, कन्फ्यूजन हो रहा है क्यों बार बार वो नीचे देख रहा है। हाँ बोले, सारे लोग मैप पे डिपेंडेंट हो गए, वो रास्ता ही नहीं जान रहे हैं आजकल के ड्राइवर लोग, मैप ही देखना पड़ता है। सुबह को भी मैप देखना पड़ रहा है बार बार, अभी तो मैप की दुनिया हो गई है। बार बार चलाने से, उस रूट में बार बार चलाने से वो याद हो जाता है, और अगर उस रूट में बार बार नहीं चला रहे हैं तब याद नहीं आता है, इसलिए मैप को देखना पड़ता है। माँ अच्छा, ओला में ये कहीं डिमार्केशन नहीं है कि एसी और नॉन एसी का, तो गाड़ी तो धूप में थी, बहुत धूप लगी, हम लोग जैसे ही बैठे उसमें बहुत घाम लगने लगा, तो माँ एकदम अड़ गई, कह रहे एसी कैसे नहीं चलेगा बिना एसी के। रून ने और मैंने, मधुमिता और मैंने कार को बुक क्यों किया हम लोगों ने ऐसा, जबकि हमें तो पता है कि ओला और एसी में ऐसा कुछ है नहीं अलग से। तो फिर भी क्या है कि शुभो ने बात मानी और शुभो ने एसी को ऑन कर दिया। ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप से गाड़ी निकल कर आई थी कार, फिर भी अब कूलिंग हो गई है। अब और चाहिए क्या ऐसी माँ। ये एक ऐसे जगह पर आकर हम लोग रुके हैं जिसको पार्क सर्कस 7 पॉइंट कहते हैं, मतलब 7 रास्ते हैं यहाँ पर,